ताजमहल के मेहताब बाग में घुसा पानी, बेबी ताज सहित 6 स्मारक जलमग्न, पर्यटकों के लिए किए गए बंद। उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना किनारे स्थित राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारक व बगीचों को बाढ़ के पानी से भारी नुकसान हुआ है। मेहताब बाग में पानी भर गया है, जिससे पर्यटकों के लिए बंद करना पड़ा है। बेबी ताज के नाम से मशहूर एतमादौला के पिछले हिस्से में यमुना किनारे स्थित कोचरियां डूब गई हैं। एतमादौला की पिछली दीवार को छूकर यमुना बह रही है। यहां नूरजहां की कब्र से आगे पर्यटकों को नहीं जाने दिया जा रहा है। बारादरी में जाने पर रोक है। एतमादौला के संरक्षण सहायक रवि प्रताप मिश्रा ने बताया कि अगले आदेश तक मेहताब बाग बंद रहेगा। बगीचों में अंदर तक पानी भर गया है। ताज व्यू पॉइंट डूब गया है। इसके अलावा पानी का रोजा के बराबर स्थित काला गुबंद स्मारक में पानी भरा है। 32 खम्बा जोरहा बाग रामबाग स्थित सराय ए गेटवे सतकुइया स्मारक डूब गए हैं। उधर ताजमहल के रिवर साइड गार्डन में पानी भरा है। खान ए आलम स्मारक में भी जल भराव है। हालांकि ताजमहल में बाढ़ के पानी से किसी भी तरह का नुकसान नहीं है। ASI आगरा सर्किल अधीक्षण पुरातत्वविद राजकुमार पटेल ने बताया कि नुकसान का विस्तृत आकलन करने के लिए ड्रोन से सर्वे कराया है। एतमादौला सब सर्किल के 6 से 7 स्मारकों में बाढ़ से नुकसान हुआ है। बगीचे खराब हो गए हैं। पानी उतरने के बाद स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकेगी।